शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्रवणी बेटा, अब तुम भी बैठ के खाना खा लो। जी माँ। श्रवणी, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बस थोड़ा नमक कम है। वो स्वीटी नजर नहीं आ रही। स्वीटी, स्वीटी से कह देते, दिख नहीं रही। तुम ले आओगी नमक? हम ले आते ताई जी। तुम बैठो, हम लेके आएंगे। अरे नहीं माँ, हम जाते हैं। आप बैठिए, खाना खाइए, हम लाते। श्रवणी, माँ, श्रवणी, शिवांश, श्रवणी, श्रवणी, स्वीटी, श्रवणी, कार में क्या होगा? श्रवणी, क्या होगा? मम्मी क्या होगा? दीदी को, दीदी, दीदी, क्या हो गया श्रवणी बेटा? स्वीटी जल्दी से जाके पानी लेकर आ। हाँ मम्मी, हम लाते, हम लाते। कहाँ चोट लगी है? श्रवणी, क्या हो गया श्रवणी? उठो तो। मम्मी, पानी पिलाओ। स्वीटी, माँ वो श्रवणी पानी। आराम से, तुम्हें कुछ नहीं होगा दुल्हन। आराम से, ये ले श्रवणी। अरे श्रवणी, ये शायद घबरा के बेहोश हो रही है। श्रवणी उठो। शावनी, अरे क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? शिबू को बुलाओ, शिबू कहाँ है? अरे नानी, शिबू को छोड़ो, पहले जाके कोई एम्बुलेंस तो बुलाओ। एम्बुलेंस? हम तो कब से शिबू को फोन लगा रहे हैं और वो फोन ही नहीं उठा रहा। अरे आप फोन फोन के चक्कर में पड़े, हॉस्पिटल लेके चली। उठो उठो, शावनी को हॉस्पिटल लेके चलो। वो एम्बुलेंस आ गई, हमने ऐसी हालत देखे पहले बुला लिया था। उठा 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 उठाओ। जैसे जा रही हो उससे भी बदतर हालत में लौटोगी। लेके चलो, जल्दी लेके चलो। श्रवणी ले, बेटा ले, बेटा घबराओ मत, हम सब है यहाँ। श्रवणी बेटा, हिम्मत रखो। अरे वसुता जी, आप कहाँ चली? वो देखिए ना, अम्मा जी भांस रही है, उनको बिठाइए। लेकिन श्रवणी, हम है ना, हम पर भरोसा रखे, हम देख लेंगे श्रवणी को। आप बैठिए, अब चलो 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 चलो। एक मिनट, तू हमारे साथ मटक मटक के कहाँ चल रही हो? सिवान जाएगा तो हमको फोन करके बताना। मम्मी करने के वाली हो आप? अभी कितना किया होगी तुम, जो खाए करो। चुपचाप चलिए चलिए। आप बैठिए अम्मा जी। अरे साले, वो आप ही मेरे पे रहोगे कि डॉक्टर को नहीं बुलाओगे? अच्छा ठीक है, आप बैठे यहाँ पे, हम बात करके आते हैं डॉक्टर से। अच्छा जल्दी आओ, हमसे रहने जा रहा, दर्द सहने जा रहा। आ रहे आ रहे। अरे भाई साहब, नंबर आ गया आपका, डॉक्टर बाबू बुला रहे हैं। हाँ जल्दी जाओ। अरे जिया जी, खड़े हो गए? अरे खड़े होने की तो कोशिश कर रहे, हुआ नहीं जा रहा ना। कहा कहा डॉक्टर ने? चलिए अंदर। हाँ तो चलो ना जल्दी, कितना देर लगा रहे हो?
190, lower 60. Keep checking this blood pressure, okay? मामूली सी चोट है, इतनी सी चोट से बेहोश कैसे हो गई? नशे में रहो श्रवणी। पानी लेकर आ जल्दी। नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, वो चोट की वजह से नहीं हुई है, वो घबरा कर बेहोश हो गई। जानती हैं, वो भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहती है, आए दिन बड़े बड़े पर्चे देती है, दिन रात पढ़ाई करती है और ऊपर से अभी मां बनने वाली है। ओ, ये प्रेग्नेंट है? जी, बला के मनोज हैं इसके ससुराल वाले। पहले इसकी जान खा ली, बच्चा करो बच्चा करो बच्चा करो, ना जीने देते हैं ना पढ़ाई करने देते हैं। अब बच्चा ठहर गया तो बोलते पढ़ाई छोड़ दो। ओ, यही तो नियति है, लड़की अनपढ़ हो या वकील कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ों की इच्छा के सामने एक औरत की क्या ही इच्छा रह जाती है। मां नहीं बनना चाहती थी, आपकी किस्मत है कि आप डॉक्टर बन गई, पर इसकी किस्मत बच्चा नहीं करना चाहती या एक औरत मां बनने के लिए तैयार नहीं है, तो एक औरत का पूरा अधिकार है कि वो। हाँ वही तो कह रहे हैं हम, उसकी इच्छा होनी चाहिए ना कि वो मां बनना चाहती है कि नहीं। डॉक्टर साहब पता है आप ही कुछ कर सकती हैं इसमें, और कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं मतलब? मतलब कि इसे चोट लगी है ना, आप उसका बच्चा गिरा दीजिए। पता भी नहीं चलेगा, सबको लगेगा कि चोट लगी और बच्चा गिर गया। नहीं नहीं, इसके लिए तो इनसे या इनके पति से परमिशन लेनी होगी, फॉर्म पे साइन लेना होगा। और इनसे या तो इनके पति से ना, तो आप हमको फॉर्म दे दीजिए, हम साइन करवा देंगे इनसे। अरे कुछ नहीं हुआ है, चेक करने दीजिए, आराम से लेटिए। अरे डॉक्टर बाबू बहुत दर्द हो रहा है हमको। हमारा फोन कहाँ चला गया? अरे जिया जी, हम आते हैं बाहर से, लगता है भाग दौड़ में हमारा फोन कहीं गिर गया, हम देख के आते हैं बाहर। साले बाबू, अरे हमको छोड़ के ना जाओ, हमको बहुत दर्द हो रहा है। अरे हम अस्पताल में पहली बार आए ना, तो हमको छोड़ के ना जाओ। अरे जीजा जी, हम आते हैं फोन देख के, दो मिनट बाहर कहीं गिर गया। साले बाबू अरे ऐसा ना करो, हमारा जी घबरा रहे। अरे अटैक उटैक आ जाएगा तो लेके देने पड़ जाएंगे, हमारे हम मांगे इकलौते। अच्छा ठीक है, हम नहीं जाते, आप ठीक से लेटिए। अब यह फोन कहाँ चला गया हमारा? थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, इन्हें होश आते ही आप इनसे बात कीजिए, इन्हें सोचने का मौका दीजिए। अगर ये कंसेंट लेटर पे साइन करने के लिए तैयार हैं तो हम कर देंगे, ठीक है? वैसे आप इनकी कौन है? ताई जी, लेकिन हमारे लिए हमारी बेटी से कम नहीं है, कहे की माँ नहीं है ना इसकी, हम इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, बचपन से एक ही सपना देखा है, हम डॉक्टर बनेंगे, पूरी दुनिया से लड़ गई पर आज अपने प्यार के आगे अपने ससुराल वालों के सामने हार गई। खैर हम साइन करवा लेंगे। नर्स, इन्हें कंसेंट फॉर्म दे दीजिए। ओके डॉक्टर।
हमारी लाडली श्रवणी, अब कैसे बचोगी तुम? अब तुम देखती जाओ क्या क्या नहीं करते हम। श्रवणी बिटिया, ताई जी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा, दुल्हन को भी देखेंगे। चलो चलो। चंद्रा जी क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, वो ठीक है, खतरे से बाहर है, बस आज रात को अस्पताल में रखना है। ठीक है तो हम रुकते हैं, आप लोग घर जाओ। नहीं अम्मा जी, आपका करेंगे रुककर। अरे रात बेरात कोई दवाई की जरूरत पड़ गई तो कहाँ टहलती फिरेंगी, तब बड़ा अस्पताल है, आपको इस उम्र में आराम करना चाहिए। एक काम करिए वसुधा जी, आप अम्मा जी को लेकर घर चले जाइए, हम यहाँ रुक जाएंगे। नहीं, हमारा मन नहीं मान रहा, आप लोग जाइए, हम श्रवणी को साथ लेके ही लौटेंगे। हाँ वसुधा ठीक कह रही है। हाँ तो रुक जाइए, पर कहे कि डॉक्टर ने कहा है यहाँ पर भीड़ नहीं करना ठीक है, तो आराम की जरूरत है। वसुधा जी बाहर तो बैठ सकती है ना अम्मा जी को लेकर, है ना अम्मा जी? डॉक्टर ने कहा है। ठीक है ठीक है वसुधा, चल डॉक्टर ने कहा है तो हम बाहर बैठते हैं। चलिए अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है श्रवणी। ये ना इस पे साइन करना है, तुमको साइन कर दो, ये लो। साइन करो। शिवांश। अब शिवांश आता ही होगा बेटा, ये पर अभी कहे ना, तुमको चोट लगने से ना तुम्हारे बच्चे को खतरा हो गया है। बच्चा? हाँ 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 बच्चा, बच्चे को बचाना है ना बेटा, तो अभी अभी कहे किसी का इंतजार नहीं कर सकते। लो इस पे साइन करो। लेकिन आपने तो इन्हें बताया ही नहीं कि ये साइन अबॉर्शन के लिए। वो हम समझा रहे थे बस उसको, ऐसे थोड़ी होता है बहन जी, पेशेंट को या फिर उनके पति को पूरे होशो हवास में ये फॉर्म साइन करना होता है, और अभी तो ये पूरी तरीके से बेहोश हैं। आप ये फॉर्म फाड़ दीजिए, इस फॉर्म का कोई फायदा नहीं। छोड़िए चुप, धीरे हटाइए, धीरे धीरे। काइला इस वक्त इस कमरे में तुम्हारे हमारे अलावा ये तीसरी जन्य जो है बेहोश, और चौथा कोई नहीं है। अब तुमने हमारे लिए अपनी रास्ता नहीं छोड़ा है, या तो हम तुम्हारा अभी यहाँ गला काट दें, या तो फिर पूरे साल कि पूरी पकार एक साथ उनको दे दे, है ना? एक साल की तनख्वाह? हाँ एक साल की तनख्वाह एक साथ। इसे हटा लीजिए। अब जैसे बोली मैं वैसे कर लूंगी। हाँ हमको सच में लगा था कि तुम बहुत समझदार, तो अब डॉक्टर को कहोगी
कि तुम्हारी आंखों के सामने इसने साइन किए हैं पूरे होशो हवास में, और अगर मुंह खोला ना तो तुम सोच लेना हम क्या कर सकते हैं। और अब जल्दी से इसको कोई दवाई दो, क्योंकि आज रात का इसको बिल्कुल कुछ याद नहीं रहना चाहिए। इसे हटा लीजिए। हम देते हैं इंजेक्शन, लाते हैं। हाँ ना देते हैं, हटा दो। जल्दी जल्दी दवाई दो। लगा दिया इंजेक्शन, अब इसे होश नहीं आएगा। होश नहीं आएगा, नहीं याद भी नहीं रहना चाहिए। याद भी नहीं रहेगा। जल्दी 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 जा रही हूँ। डॉक्टर को याद है ना? हाँ सुस्ता है। ऑपरेशन की तैयारी करो। हाँ हाँ जा रही। बड़की ठकुराइन, बड़की ठकुराइन कहाँ लेके जा रहे हैं? कहीं नहीं, वो हमने आपकी दुल्हन को डॉक्टर से बात करते हुए सुना था। हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, वो नर्स ने बताया ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या? श्रवणी का ऑपरेशन होगा? कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटा सा ही ऑपरेशन है। आप लोग इतना परेशान मत होइए, एक काम करिए आप लोग घर चले जाइए। हाँ आराम कीजिए, वक्त लगेगा। जैसे ही हमको पता चलेगा ऑपरेशन खत्म हो गया हम आपको फोन करेंगे, आप आ जाइए। नहीं नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग आराम से बैठ जाइए। हम यही रुकते हैं, ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तभी जाएंगे। हे भगवान, हमारे बच्चे की रक्षा करना। शिवांश, शिवांश का है? पट्टी मैंने बांध दी है, आधे घंटे में आराम मिल जाएगा। शौमी दीदी आपको ढूंढ रही है, उनका फिर से चक्कर आ गया। हमारा फोन बंद कैसे हुआ? हाँ बेटा ये तो हमारा ही फोन है, आपको कहाँ मिला? अरे कहाँ गई? घर से इतने सारे मिस कॉल्स, माँ का मैसेज। शिपू कहाँ हो बेटा? शिपू बेटा श्रवणी गिर गई थी, हम उसे सिटी अस्पताल लेके आए। श्रवणी टकराए, हम शिवांश को रोकने का बहुत कोशिश किए लेकिन इससे ज्यादा रोक नहीं पाए। अरे रखो। किसका फोन है? बैंक वाले फोन करते रहते। शिवांश के आने से पहले सब हो जाए बस। पता नहीं शिबू कहाँ रह गया, ना फोन उठा रहा है, पता नहीं उसने हमारा मैसेज भी देखा है कि नहीं। शिबू यहाँ है नहीं और श्रवणी की हालत इतनी बुरी है, हम समझ नहीं आ रहा अम्मा हम क्या करें। दिखाई नहीं देता का? देता है ना, सब दिखाई देता है। अब रास्ते में क्यों खड़े हो? अब रास्ते से हटो।
डरिए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम भटक गई हो का? जो अपने माँ बाप के पास, यहाँ का ही मंडरा रही हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? हम कहाँ पे हैं? आराम से, पैनिक मत होइए। बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। बेहोशी? बेहोशी का इंजेक्शन क्यों? क्यों मतलब? आपका ऑपरेशन होने वाला है। डॉक्टर, ऑपरेशन? ऑपरेशन क्यों हो रहा है हमारा? अब किस चीज का हो रहा है? अरे आपने अपनी मर्जी से तो कंसेंट फॉर्म साइन किया है। कंसेंट फॉर्म? कौन सा कंसेंट फॉर्म? अबॉर्शन के लिए। नहीं, आराम से। हमें कोई अबॉर्शन नहीं कराना है। ये रोकिए। ये क्या बोल रही है? मैम, ये बेहोशी की वजह से थोड़ा घबरा रही है। ऐसा होता है ना, इन्होंने कंसेंट फॉर्म साइन किया है, हमारे सामने साइन किया है। हमने कोई साइन नहीं किया। अरे हमें नहीं कराना। इन्हें फॉर्म दिखाइए, फॉर्म लेके आओ। हमें नहीं कराना। मैम ये देखिए। अरे ये देखिए, आपने खुद साइन किया है। मैंने कोई साइन नहीं किया डॉक्टर। ये इनकी फैमिली बाहर है ना, बुलाओ उन्हें, फिर ही ऑपरेशन करेंगे। मैम किसको बुलाएं? वो उन्होंने बताया था ना कि इनके ससुराल वाले सनकी हैं, और ना ही इनके पति को बुला सकते हैं और ना ही इनके सास को। शिवांश, आप शिवांश को बुलाइए। शिवांश, आप आराम कीजिए, आराम से लेटिए, आप लेटिए, आप लेटिए, छोड़िए, आराम से। देवी माँ, ये क्या हो रहा है? मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। शमी, मां, शमी गिर गई थी। गिर गई? उसे चोट आई, वो बेहोश हो गई थी। माँ ऐसे कैसे चोट लग गई? हमने तुम्हें कॉल किया था, तुमने फोन नहीं उठाया, फिर हमने मैसेज भी छोड़ा। डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं। ऑपरेशन? अरे क्या हुआ उसे? पता नहीं। शमी, हमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, छोड़िए। नहीं नहीं नहीं, शुभान शुभान। भैया आपको शमी दीदी बुला रही है। आप यहाँ कैसे? आप तो वहाँ पे थे। पहले जाइए, वो बुला रही है। अरे कहाँ गई? कहाँ गई शमी? शमी, शमी खोलो, अरे दरवाजा खोलो। बोलो, डॉक्टर। कौन दरवाजा पीट रहा है? वार्ड बॉय को देखने बोलो, कौन है? शमी, कौन है? शमी,
वार्ड बॉय ये अंदर कैसे आया? शिबू, शिबू, आई है हमारी, सामने, शिबू, माँ हमें रुकिए हमें बात करनी है, शिबू चलो, अम्मा अम्मा रुकिए हमें बात करनी है, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, बेबी है हमारी वो, आप लोग दो मिनट रुकिए, सामने, डॉक्टर साहब हमारी बेबी है वो, माँ बनने वाली है, जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये बच्चा नहीं चाहती। और समझदारी इसी में है कि आप इस वक्त इसका साथ दें, और अगर ये तैयार नहीं है तो आप इसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? यही कि ये अबॉर्ट करना चाहती है। ये आगे पढ़ना चाहती है, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। अबॉर्ट? ये किसने कहा आपसे ये अबॉर्ट करवाना चाहती है? ये देखिए, उन्होंने अपने हाथों से इसमें साइन किया है, देख लीजिए। ध्यान से देख लीजिए, पेशेंट के ही साइन है इस पे। ये सच नहीं है, हम नहीं मानते। डॉक्टर साहब आपने बच्चा गिरा दिया, अरे बताइए ना। अभी नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, अभी रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, हमें बस एक बार शर्मी से पूछ लेने दीजिए, एक बार वो अपने मुंह से कह दे। शर्मी, व्हाट बॉय? अरे हमें एक बार उससे बात करने दीजिए। देखो तमाशा मत करो, ये इसका कानूनन हक है, अगर तुमने गुंडे दिखाई ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अरे आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? शर्मनी उठो, शर्मनी। व्हाट बॉय ले जाओ इस आदमी को, और अगर ये ज्यादा हाथ पांव मारे ना तो पुलिस बुला लेना। बहुत बड़ी शिवू, शिवू चल, अरे चलो, अरे चलो। देखिए डॉक्टर साहब हमारा विश्वास कीजिए, अरे हम कुछ बनाना चाहते हैं, इसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। देखिए हमारी बात समझिए, एक बार बस शर्मी अपने मुंह से कह दे कि आप जो कह रही है वो सच है, हम कसम खाकर कहते हैं हम आपको ऑपरेशन करने से नहीं रोकेंगे। तो कह तो दिया है, खुद फॉर्म पे साइन किया है नर्स के सामने। अस्पताल में इतना काफी है, अब जाइए और हमें ऑपरेशन करने दीजिए। अरे हम नहीं मानते आपकी बात, हम बात करेंगे अपनी बीवी से। अरे छोड़िए, अरे छोड़िए, सामने। शिवू चलो, चलो शिवू। शिवानी बताओ इनको जो ये कह रहे हैं सच नहीं है। शिवानी छोड़ो, मैं चलो बाहर चलो। शिवानी बताओ इनको ये सच नहीं है। शिवानी छोड़ो, मैं छोड़ो शिवू। शिवानी दोबारा आया तो सीधा पुलिस बुला देंगे। क्या बोल रहे हैं? शिवांश को हमने हमेशा तुमसे ज्यादा चाहा, और देखो वो एक एक कदम तुमसे दूर और हमारे पास आ रहा है। आज के बाद वो तुम पर कभी भरोसा ही नहीं कर पाएगा। शिवू, शिवू ये क्या किया तूने? इसकी क्या जरूरत थी? क्या कर रहा है बेटा? अस्पताल आई शिवू, शिवू, I'm gonna go to the hospital.
बीपी और हार्ट रेट अचानक से फ्लक्चुएट हो रहा है। इसे मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती, मैं इसे आईसीयू में शिफ्ट कर दो। मां बनने वाली है वो। जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये बच्चा नहीं चाहती, ये अबॉर्ट करना चाहती है। ये देखिए, उन्होंने अपने हाथों से इसमें साइन किया है। श्रवणी, रुकिए, श्रवणी क्या हुआ? अबॉर्शन हो गया? इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, इसलिए अबॉर्शन नहीं कर पाए। अबॉर्शन नहीं हुआ? हे दिन मिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। इनको होश आ जाने दीजिए, इनकी हार्ट रेट्स नॉर्मल हो जाने दीजिए, तब इनका ऑपरेशन करेंगे। भगवान ने कुछ भी बिगड़ने नहीं दिया, सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। बिगड़ तो गया ही है वसुधा जी, बच्चा भले ही बच गया है, लेकिन रिश्ता खत्म ही समझो, क्योंकि आग लग चुकी है। शुक्र मनाओ कि बच्चा बच गया, बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया, पर हमें डर इस बात का है कि अगर ये बात सच है कि श्रवणी बच्चा नहीं चाहती, तो कल का क्या भरोसा? हो सकता है कल वो बच्चा गिरा दे। शिबू, अम्मा आप शिबू को समझाओ ना, आप ही उसे समझा सकती हो। हाँ अम्मा जी, हम बात कीजिए। कहे कि जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ना, तो हमारा दिल बहुत दुखता है। अरे अम्मा, हमने इसी में वो गुलदस्ता देखा था अम्मा। शिवांश, बेटू की बात नहीं कर रहे थे ना, हमारा कोई काम आग लगाने का है, सब एहसान चुका रहे थे। वो देख, क्या बात है मम्मी, गुलदस्ता दीदी के लिए आया है और प्यार आपको आ रहा है। और तब तक प्यार देंगे जब तक ये सही जगह नहीं पहुंच जाता। क्या, अरे इतना प्यार देने के बाद कूड़ेदान में फेंक दिया। मम्मी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ये क्या कर रही है, इतनी मेहनत की कूड़ेदान में फेंकने के लिए? हमको कभी कभी लगता है तुम हमारी औलाद हो कि नहीं हो। मतलब ये, हाँ तुमको हम पैदा किए हैं, लेकिन तुम्हारी जो बुद्धि है ना,
तुम्हारे पिताजी पर गई है, जिसको चाले समझ में ही नहीं आती। खैर समझ जाओगे धीरे धीरे, काहे कि ना सीख जाना तुमको जिंदगी भर नहीं संभाल पाएंगे। चलो ताकि कोई देखे ना, चलो। झूठ नहीं कह रहे थे, नीचे लिखे हम क्या करेंगे इसका। हम तो बहुत कुछ करेंगे इसका। समझ में आया काहे प्यार दे रहे थे उस गुलदस्ते को। हम अपने बच्चे को गिराने की बात सोच भी नहीं सकते, कभी नहीं सोच सकते माँ। हम और शिवांश हमारे प्यार की निशानी है ये बच्चा। हम क्या शिवांश भी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। हम माँ आखिर हम क्यों गिराएंगे अपना बच्चा, बोलिए ना, हम क्यों गिराएंगे अपना बच्चा, क्यों गिराएंगे हम। ये सब आप लोग के मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, ये सब आपकी लापरवाही है। कैसे होने दे सकते आप ये, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा नहीं है, आपने कंसेंट फॉर्म पे साइन किया है, इसलिए हम आपका ऑपरेशन करने वाले थे। नहीं, हम नहीं मानते इसे। देखिए ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ इस तरह की लापरवाही हो ही नहीं सकती। और कल आप ही ने तो मेरे सामने कंसर्न फॉर्म पे साइन किया था। हम नहीं मानते। जब हम यहाँ आए थे तब हम बेहोश थे, जब हम इस अस्पताल में आए तब भी हम बेहोश थे, और हम ये कैसे साइन कर सकते हैं जब हम बेहोश थे। तो बोलिए, हाँ नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस है। शिकायत करेंगे माँ की, शिकायत करेंगे। मैम क्या हमने आपसे खुद कहा कि हम अपना बच्चा गिराना चाहते हैं, बोलिए ना, जवाब दीजिए। नहीं आपने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर किस बिना पर आपने हमें ऑपरेशन टेबल पर लिटाया? इतनी बड़ी क्या जिम्मेदारी? हमारी पल्स ना गिरी होती तो आप लोगों ने तो हमारा ऑपरेशन कर दिया होता। ना हमने कहा ना हमारे परिवार ने कहा, तो फिर कैसे हम अपना बच्चा क्यों गिराएंगे? माँ हमें घर ले चलिए, हमें घर जाना है। हाँ चलो, हमें अभी के अभी डिस्चार्ज कीजिए डॉक्टर, सुना आपने? और ये हम अपने पूरे होश आवाज में कह रहे हैं, हमें घर जाना है, डिस्चार्ज कीजिए हमें। देखिए हम अपनी तरफ से फिर से आपसे माफी मांगते हैं, मैं आपके डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करवाती हूँ। नर्स फॉर्मेलिटीज करो। ओके डॉक्टर। शिवांश, शिवांश कहाँ है? शिवांश कहाँ है माँ? शिवांश कहाँ है? उन्हें पता है ये सब? माँ, क्या वो जानते हैं? क्या उन्हें भी लगता है कि हम अपना बच्चा? बोलिए ना माँ, बोलिए ना, आप चुप क्यों खड़ी हैं? कुछ तो बोलिए। I
निकल जाना, निकल जाना। क्या चल रहा है ये सब? पगला ना जाए। विदाई हो रही है, विदाई। किसकी विदाई? आपकी। हाँ, आपकी विदाई इस घर से। क्योंकि हम आपको तलाक दे रहे हैं। आपने तलाक, दिखाते हैं आपको देखिए। आपको पढ़ना तो आता है ना, हमसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं आप। देखिए अच्छे से, देखिए ये हमारा तलाकनामा, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डाइवोर्स पेपर। मा,
शिवांश ये क्या कर रहे हैं? शिवांश रुक जाइए प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? शिवांश क्या कर रहे हैं? शिवांश शिबू, शिबू ये क्या कर रहे हैं आप? आप बोलिए ना कुछ। शिबू ये क्या कर रहा है बेटा? शिवांश, शिवांश नहीं, रुक जाइए शिवांश प्लीज रुक जाइए। शादी हुई थी ना हमारी, साथ वचन लिए थे ना साथ निभाने की आपके साथ, आज इसी अग्नि को साक्षी मानकर आपको अपनी बेवफाई स्वीकार करनी पड़ेगी। आज आपको इस रिश्ते से हमें आजाद करना पड़ेगा। शिवांत अरे बचाओ, आज बवर उल्टी पड़ रही है, ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता, बचाओ। क्या कर रहे हो आप शिवांश? शिवांश प्लीज माँ। शिबू शिवांश छोड़िए हमारा हाथ, शिवांश आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? शिवांश छोड़िए हमारा हाथ। छोड़ी तो रहे हैं आपका हाथ, ये क्या पागलपन है शिबू? हाथ छोड़ो श्रवणी का। गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? ऐसे नहीं टूटती है शादियां। छोड़ो 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 श्रवणी का हाथ। नहीं वाह, आज हम कुछ नहीं सुनेंगे, छोड़िए हमारा हाथ, आज हम नहीं छोड़ेंगे, ये किस्सा आज हम खत्म करके रहेंगे। छोड़िए हमें। नहीं शिवांश, शिवांश अरे बजाओ। नहीं तो सबसे पहले गोली तुम पर चलेगी, भागो यहां से। मां मां ये क्या कर रही हैं आप? और शिबू तुम हाथ छोड़ो श्रवणी का। कब से देख रहे हैं तुम्हारी सनक? क्या ये संस्कार दिए हमने तुम्हें? क्या ये सिखाया है? तुम्हारी बीवी है, मां बनने वाली है, उसकी बात सुनने की जगह उसको समझने की जगह तमाशा लगा रखा,
वसुधा ऐसा मत कर। इतनी आसानी से टूट गया भरोसा तुम्हारा। लेकिन हमारा भरोसा नहीं टूटा है। हम अब भी श्रवणी पर पूरा भरोसा करते हैं। हाथ छोड़ो श्रवणी का शिपू, नहीं तो आज हमसे गोली चल जाएगी।